A very warm welcome, friends, on behalf of We Can Inspire. यह जो वीडियो है, यह एक खास वीडियो है कि स्टेज पर जब पहुंचते हैं तो स्टेज को कैसे मैनेज करें, स्टेज में परफॉर्मेंसेस कैसे करें, इस संबंध में यह वीडियो है। हमारी टीम मेंबर है स्वीटी जी, प्रश्न पूछेंगी, उत्तर आएगा और इनके द्वारा हम लोग इसे जान पाएंगे। थैंक यू सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मेरे पास कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका मैं चाहती हूँ आप मुझे बहुत ही ब्रीफली आंसर करें। सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं तो एज अ मास्टर ऑफ द सेरेमनी हमें उसे कैसे कंडक्ट करना चाहिए? या स्वीटी, यह प्रश्न कई लोगों के दिमाग में रहता है, बोल नहीं पाते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं। प्रोग्राम तो देखते हैं लोग, लेकिन देखते नहीं हैं कि कैसे कंडक्ट हो रहा है। ओके, एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी कुछ खास बातें हैं। पहली बात है कि पूरे प्रोग्राम में क्या होने वाला है, मिनट दर मिनट, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, रिटन जानकारी। ओके, उसमें प्रोग्राम के इवेंट्स क्या होंगे, गेस्ट्स कौन कौन होंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी विथ नेम्स एंड डेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग, कंप्लीट जानकारी। तो एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। कोई भी आधा अधूरा बात, कोई भी बात आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ओके, पहली बात है। अब जब पूरी प्रोग्राम इवेंट्स लिखी गई हो और यह मालूम है कि हर मिनट में क्या होने वाला है, या हर कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा नेक्स्ट होगा, कौन सा नेक्स्ट होगा, ये मालूम है और हाथ में लिखा हुआ है, तो उसका दूसरा पार्ट ये होता है कि जब उसे कंडक्ट करना है, अगर हर एक इवेंट के बारे में कुछ बोलना है तो उसकी भी तैयारी हो जानी चाहिए। चाहे आप कोई उसको कोटेशन बोल रहे हो तो कोटेशन कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोट अनकोट, ये बात होनी चाहिए। अगर आप कोई शेर व शायरी कर रहे हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए कौन है शेर शायर, किसका शेर है, क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई कविता के बारे में कह रहे हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए किसके बारे में, यानी अधूरा जानकारी से काम नहीं करना चाहिए आपको। कम से कम आप उसमें नहीं भी कहें कि कौन है, लेकिन जानकारी बिल्कुल आपको होनी चाहिए एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कंडक्ट कैसे करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं तो सबको वेलकम कीजिए। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलिए, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, मतलब ग्रीटिंग करनी होगी। ग्रीटिंग तो करनी ही होगी। सबसे पहले आप ऑडियंस को ग्रीट कीजिए और अवेक करिए। ओके, अवेक करिए, जान डालिए उसमें, एनर्जी डालिए। ओके, तो पहली बात। और उसमें ऑफकोर्स आप माइक कैसे पकड़ेंगे, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको स्टैंडिंग माइक है तो मैं इसको बता देता हूँ कि माइक कैसे पकड़ेंगे। अगर आप हाथ में माइक लेकर के चल रहे हैं या वायरलेस माइक है तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसे आप रखें और आपके मुंह से जनरली 6 inches में होनी चाहिए। पावरफुल माइक है, ऑलमोस्ट 12 inches में होनी चाहिए, राइट? और जब आप बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि तब आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी। अनलेस द माइक इज वेरी स्ट्रांग, नहीं क्लैरिटी आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि माइक है और हंसता हुआ चेहरा हो तब आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो 6 inches इफ द माइक इज नॉट वेरी स्ट्रांग, 12 inches इफ द माइक इज वेरी स्ट्रांग, राइट? अगर खड़े हो और पोडियम पर हो तो माइक का डिस्टेंस जरूर से एडजस्ट करेंगे, राइट? बहुत पीछे नहीं होना चाहिए माइक, बहुत झुकना भी नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बेंड डाउन ऑन द माइक, देन एको होता है, आवाज होती है, राइट? दैट शुड बी वेरी क्लियर। एक तो माइक कैसे पकड़े, अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो आपने कहा वेलकम किया सबको, ग्रीटिंग की, और नेक्स्ट बिल्कुल प्रोग्राम में आ जाइए कि आज क्या प्रोग्राम होने वाला है, हाँ, और प्रोग्राम का इवेंट्स क्या क्या होगा, इसके बारे में आप करने वाले हैं करके क्लियरली आप बताइए। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा कि प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट आए हैं या अदर गेस्ट आए हैं, अगर उनको स्टेज पर बुलाना है तो आपको प्रॉपरली सबको स्टेज पर इनवाइट करना पड़ेगा। स्टेज पर इनवाइट करने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले किसको कीजिएगा, नेक्स्ट किसको कीजिएगा, नेक्स्ट किसी को कीजिएगा, ये प्रोटोकॉल जान लेना होगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, तो आपको प्रोटोकॉल जानना होगा उस समय। अज्यूम नहीं कर सकते हैं, पहले से तय रखिए कि सबसे पहले स्टेज में कौन आना चाहिए, पूछ लीजिए ऑर्गेनाइजर से ही, पूछ लीजिए कि सबसे पहले स्टेज में कौन आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा। नाम बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी का नाम डेजिग्नेशन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ना प्रोनंसिएशन,
किसी के नाम, और ना उसे ट्रंकेट कीजिए, छोटा मत कीजिए नाम को. सो नेम एंड डेजिग्नेशन एकदम बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए, आपके मेमोरी से नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए. और प्रॉपरली उसे पढ़िए, प्रॉपरली उच्चारण कीजिए उस नाम को, ठीक है. और नाम के आगे क्या लगेगा, मिस्टर लगेगा, श्री लगेगा, ऑनररी लगेगा, ये बात भी जाननी चाहिए. ओके, हाँ, वेरी 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 क्लियरली. उसके बाद नेक्स्ट है कि आप स्टेज पर बुला रहे हैं तो स्टेज पर बुलाइए, बैठिए, और जब तक सब बैठ ना जाए आगे आप मत स्टार्ट कीजिए. सब कोई बैठ जाएंगे उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आप कहें जैसे चीफ गेस्ट को जब बुला रहे हैं, या मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट श्री सुवेंसो या श्रीमती सुवेंसो, ये हैं मैडम सर, कृपया स्टेज पर आसन ग्रहण करें. ये बहुत क्लियरली होनी चाहिए. और इसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, और सबको आसन ग्रहण करने के लिए बोलना चाहिए. उसके नेक्स्ट पार्ट होती है, अक्सर होता है कि आप उनको ग्रीटिंग करने के लिए कुछ गिफ्ट, कुछ बूके देते हैं. तो जब आप बूके देते हैं तो तय कीजिए कि कौन बूके देगा किसको, दैट ऑल्सो प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए. yes, कि कौन किसको बूके दे रहे हैं, कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, ये प्रोटोकॉल के अनुसार कौन किसको दे रहा है ये भी बहुत क्लियर पहले से तय होना चाहिए, और प्रोटोकॉल के अनुसार ही होना चाहिए. तो उसमें भी जो आप सेंटेंस यूज करेंगे, बहुत ही ब्रीफ लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं यूज करेंगे. तो आप अगर कहेंगे कि मैं आग्रह करूंगी सोहनसो से, कृपया हमारे चीफ गेस्ट को एक बुके प्रदान कर उनका स्वागत करें, बहुत ही क्लियर शॉर्ट में ये बात कहनी पड़ेगी. उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, ये कीजिएगा. ओके, तो ये हुआ शुरू का ये. उसके बाद वेलकम एड्रेस अगर आप ही करती हैं तो ठीक है, एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी आप ही करती हैं तो ठीक है, जितना ब्रीफ हो सके उतना अच्छा. ओके, तो उसमें प्रोग्राम के बारे में जरूर से बतानी चाहिए. ये हुआ बिगिनिंग ऑफ द शुरुआत. इसके बाद तो फिर जैसे जैसे जो प्रोग्राम का नेचर होता है उसके अनुसार आप बढ़ते जाते हैं, राइट. या चीफ गेस्ट को जब आप बुला रहे हैं एड्रेस करने के लिए, तो उनके बारे में जानकारी जरूर से देनी चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है कि चीफ गेस्ट की महत्ता क्या है वहां पर, क्यों उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है. तो उनके बारे में जानकारी जरूर से, क्लियरली रिटन जानकारी हासिल कीजिए. अज्यूम्ड जानकारी कुछ भी मत कीजिएगा, और मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि चीफ गेस्ट बोलेंगे अपने बारे में, ये नहीं होना चाहिए. तो चीफ गेस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी, इंपॉर्टेंट जो उनकी बात है कि क्यों उनको वहां पर बुलाया गया, क्यों वो चीफ गेस्ट हैं, यह जानकारी ऑडियंस को जानी चाहिए, राइट. उसी तरह अगर आपका स्पेशल गेस्ट कोई है, गेस्ट ऑफ ऑनर कोई है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर जानकारी होनी चाहिए. अगर और भी ऑनरेबल गेस्ट हैं जो कि उस सभा के लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन स्टेज पर नहीं है, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए और बताना चाहिए. ओके, तो ये तीन बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी भी इवेंट की पूरी जानकारी, गेस्ट लिस्ट और उनके डेजिग्नेशन, ये बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. थैंक यू सर. सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ चीफ गेस्ट हमें स्पीच किस प्रकार से डिलीवर करना चाहिए किसी भी इवेंट में, अगर हम चीफ गेस्ट है तो हमें कैसे उस स्पीच को बोलना चाहिए, कहना चाहिए. दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन स्वीटी. चीफ गेस्ट बने हैं तो एक तो जानकारी होना चाहिए कि क्या इवेंट है. एज अ चीफ गेस्ट बने हैं तो क्या इवेंट है, इंस्टीट्यूशन का एग्जैक्ट नेम, इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स हैं उनका एग्जैक्ट नेम, जो इवेंट में नाम लिखे गए हैं वो, उससे इंडिकेशन मिलता है कि अगर जो शुरू में जो कागजात मिलती है, जो डॉक्यूमेंट मिलता है, उससे पता चलता है कि कौन कौन है यहाँ पर, कौन कौन मौजूद हैं. एज अ चीफ गेस्ट आपको उनको प्रोटोकॉल के अनुसार एड्रेस करना होगा. तो कहना होगा रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, ये बी सी डी करके आप अनाउंस किए. उसके बाद आप कहें ये जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में मुझे बुलाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. उसके बाद ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए. और इम्पॉर्टेंट है कि जो इवेंट है, इवेंट के अनुरूप चीफ गेस्ट को अपनी तैयारी करनी चाहिए, इवेंट के अनुरूप. तो द चीफ गेस्ट शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इवेंट एंड देयरफॉर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इवेंट. इवेंट के इम्पॉर्टेंस के अनुसार चीफ गेस्ट को तैयारी करनी चाहिए.
यानी चीफ गेस्ट को अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं, अपने काम के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं, उस इवेंट के बारे में, क्योंकि जो ऑडियंस बैठे रहते हैं इवेंट के लिए आते हैं, तो इवेंट से रिलेटेड रहते हैं, चीफ गेस्ट से रिलेटेड नहीं रहते हैं। तो कहीं कहीं पर चीफ गेस्ट से रिलेटेड होते हैं लोग, और नॉर्मली इवेंट से रिलेटेड होने से चीफ गेस्ट अच्छी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो चीफ गेस्ट को भी वही करना चाहिए, सबको प्रोटोकॉल के अनुसार बोलें और ग्रीट भी करें। ओके सर, थैंक यू सर। सर, एज अ स्पीकर, जैसे अभी आपने बताया चीफ गेस्ट को ऐसे स्पीच डिलीवर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक स्पीकर के तौर पे किसी इवेंट में हैं, तब हमारी स्पीच में क्या चेंजेस होनी चाहिए, कैसे डिलीवर करना चाहिए? ओके, या तो कभी कभी गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं या एक जनरल स्पीकर होते हैं जो बुलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीच देने के लिए या टॉपिक पर बात करने के लिए। तो सॉरी, एज अ स्पीकर प्रोटोकॉल के अनुसार सबको ग्रीट करें जितने भी इस पर हैं, और तब स्पीकर को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन है, क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन, वेरी क्लियरली। सर, आपको कई जगह पर एज स्पीकर बुलाया जाता है, हाँ, तो आप सर कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, जितने लोग बैठे हैं जैसे ही पहुंचता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। अगर उनका इवेंट का शीट है तो इवेंट ले लेता हूँ, और डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कौन है, चीफ गेस्ट क्या है, चीफ गेस्ट से फिर डिटेल ले लेता हूँ क्या है, हाँ, और ये जानकारी मैं ले लेता हूँ। तो इस ये नहीं सोचता हूँ कि इसमें संकोच होगा, गलती बेहतर है कि जानकारी लेना ना कि आधी अधूरी बात बोलना, राइट? ओके, तो इसके बाद शुरुआत ग्रीटिंग से करते हैं, फिर से ग्रीट करते हैं, जो ऑडियंस होती है उसको फिर से ग्रीट करते हैं, और जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आज मैं यह बोलने वाला हूँ, इस संबंध में ही बोलने वाला हूँ आपको, आपके साथ, तो बहुत क्लियर है कि क्या बोलने वाला हूँ, ऐसे शुरुआत करते हैं। एक वैसे भी एक ओवरऑल हम एक नॉर्मल स्पीच जब तैयार करते हैं किसी भी इवेंट के लिए, तो ऐसी कौन सी बातें हैं सर जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए स्पीच को तैयार करते वक्त या डिलीवर करते वक्त? पहला इम्पोर्टेंट है कि कितनी टाइम दी गई है आपको जी, तो टाइम को फॉलो करना है, ध्यान में रखना है कि बहुत सारे इवेंट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आपको टाइम ज्यादा नहीं खाना चाहिए ऑडियंस का। तो आपको टाइम दी गई है 5 मिनट, तो 5 मिनट से ऊपर करेंगे ही नहीं, अगर 3 मिनट टाइम दी है तो 3 मिनट के अनुसार, एक तो टाइम देखना चाहिए, टाइम के अनुसार प्रिपेयर करना चाहिए। टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग जनरली एक्सटेंड करते रहते हैं तो ऑडियंस को पसंद नहीं होता है, ये बोर हो जाते हैं, जनरली बोर हो सकते हैं, और आपकी बात सुनने के लिए सिर्फ वहां पर नहीं आए हैं, इवेंट के लिए आए हैं, तो कीप द स्पीच एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड विद इन द गिवन टाइम, राइट? दिस इज नंबर वन रूल। सेकेंड है कि जो अगर आप चीफ गेस्ट हैं तो डेफिनेटली उस इवेंट और उस इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस और आपका कंट्रीब्यूशन उस इवेंट में या उस इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, यह तो सुनिश्चित होगा, राइट? तो बस इतने ही पर ध्यान रहना चाहिए, इतने ही इन तीनों बातों पर ही ध्यान रहना चाहिए, दैट वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। तो आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते हैं, इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस और उस इवेंट की इंपॉर्टेंस, उसके अनुरूप अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत क्लियर होगा। तो एज अ कोई भी स्पीच अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ स्पीकर अगर एक टॉपिक दी गई हो तो आप टॉपिक और इवेंट को रिलेट कर सकते हैं, जो आपको टॉपिक दी गई है और जो इवेंट है उस टॉपिक को उसको रिलेट कर सकते हैं, उसके अनुरूप आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि स्पीच कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सर, इसका कंक्लूजन एज अ ओवरऑल हम यही समझते हैं कि किसी भी इवेंट की या प्रोग्राम की जानकारी, गेस्ट लिस्ट की जानकारी, जो निर्धारित समय हमें दिया गया हो उसका, उसके बारे में ध्यान में रखना, अगर हम ये चीजों का ध्यान रखें तो हम एक शॉर्ट टाइम में भी काफी अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सो नॉलेज इज द की सर, नॉलेज एब्सोल्युटली इज द, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज एब्सोल्युटली द की, एंड अंडर नो सर्कमस्टेंस कोट या मिस कोट, यानी कोटेशन को कोट के रूप में ही होने चाहिए, जो भी आप लाइंस यूज कर रहे हैं कोई कविता वगैरह, अब उसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी जंबल्ड अप, हमें पता होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट वाज सो वेरी मच इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच स्वीटी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल में और भी कई वीडियोस हैं, उन्हें आप देखकर आनंद उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
Thank you.